नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब और मैं हूं आनंद देव चक्रवर्ती। आज मैं बात करूंगा टीआरपी में धांधली की, रेटिंग सिस्टम में धांधली की। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुंबई पुलिस ने आरोप लगाया है एक बड़े चैनल पर और कुछ छोटे चैनलों पर कि ये लोग टीआरपी में धांधली कर रहे थे और इनके खिलाफ केस किया जाएगा। रिपब्लिक टीवी, जिनके खिलाफ ये आरोप लगाया है मुंबई पुलिस ने, उन्होंने कहा ये सरासर झूठ है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके अंडर इनको टारगेट किया जा रहा है और वो मुंबई पुलिस के खिलाफ केस करेंगे। क्या सच है, क्या झूठ है, ये बाद में निकल कर आएगा या हो सकता है कि कभी भी नहीं निकल कर आए, लेकिन धांधली हो सकती है टीआरपी में, ये मैं आज आपको समझाऊंगा, इसी का हिसाब लगाऊंगा आज के इस एपिसोड में। टीआरपी कैलकुलेट कैसे होता है ये मैंने पहले भी आपको बताया है, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा आज। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको इसका डिटेल मिल जाएगा, वो शो का लिंक हम डाल देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। हमारे देश में बार्क बोल के एक कंपनी है जो सारे ब्रॉडकास्टर्स ने मिलकर ही बनाया है, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं इन्होंने मिलकर बनाया है, और वो हर हफ्ते, हर मिनट, हर दिन रेटिंग का डेटा निकालती है। ये कैसे करती है, आपने नाम सुना होगा टीआरपी मीटर, यानी कि रेटिंग मीटर। हमारे देश में 44,000 ऐसे घर हैं जहां पर ये मीटर लगाए गए हैं। कौन से घर हैं कोई नहीं जानता, ये सीक्रेट रखा जाता है और मुंबई पुलिस कह रही है कि ये सीक्रेट निकल गया था, लीक हो गया था, कहां का घर है, कहां पे है मीटर, ये पता चल गया था और वहां पर धांधली हुई है। खैर, इन 44,000 मीटर में से 40,000 बाग के साइड पे जाएंगे तो 40,000 एक्टिव है जहां से डेटा कलेक्ट किया जाता है। 4,000 को, यानी 10% को वहां पर एक तरीके से बफर रखा जाता है कि कभी जरूरत पड़े, पैनल को घुमाना हो, घरों को घुमाना हो, चेंज करना हो, तो उन 4,000 घरों में शिफ्ट किया जाएगा। अब इन 40,000 घरों में मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि लगभग 1,67,000 लोग होंगे, व्यूअर्स होंगे, जिनका डेटा लगातार कलेक्ट किया जा रहा है और इस डेटा के बेसिस पर हमारे देश के 84 करोड़ ऐसे लोग जो टीवी देखते हैं उनका व्यूअरशिप का जो पैटर्न है वो तय किया जा रहा है। वही बेसिस पर हम पूरे देश की रेटिंग लाते, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है क्योंकि सर्वे ऐसे ही होते। आप अगर ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल देख ले तो वही होते, 2-3 लाख व्यूअर्स का ही, लोगों का ही सर्वे होता है और उसी बेसिस पर पूरे देश का आंकलन किया जाता है। सरकार भी जब सर्वे करती है कहती है कि इतने लोग एम्प्लॉयड है या इतने लोगों के पास नौकरी है, इतने लोग कृषि में है, वो भी सर्वे के बेसिस पे ही होता है, वही 2.5-3 लाख लोगों का सर्वे किया जाता है, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अब सवाल ये है कि ये जो 40,000 घर हैं जहां पर मीटर लगा हुआ है वहां पे डेटा कलेक्ट कैसे होता है, मैं उसमें भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना है जरूर है कि बार्क हर सेकंड पे ये डेटा कलेक्ट कर रही है, एक मीटर लगा हुआ है, जो उस घर में है उन सबको ट्रेनिंग दिया जाता है कि जब भी वो कोई चैनल देखेंगे तो अपना बटन दबाएंगे, हर घर के जो सदस्य उनके लिए अलग अलग बटन होता है, अपना बटन दबाएंगे, जब वो देखना बंद करेंगे तो वो बंद वाला बटन भी अपना दबाएंगे, तो इससे पता चलेगा कि कौन क्या देख रहा है उस घर में। अगर मैं देखूं कि इन 40,000 घरों में जहां पर मीटर लगा हुआ है वहां पे अगर डेटा निकल जाए कि ये घर कौन से हैं और किसी चैनल के हाथ में ये आ जाए और अगर वो 50 ऐसे घरों का पता कर ले, वहां पर जाके वो इन 50,000 घरों में, 50 जो घर हैं ये अगर हम देखें कि ये गरीब घर है तो वहां पर जाके वो कहेंगे कि देखिए आपका जिस टीवी में मीटर लगा हुआ है ना उस पे आप अपने चैनल मत देखिए, उसमें सिर्फ मेरा चैनल देखिए, मेरा चैनल आप हर रोज 5 घंटे लगा कर रखिए, मतलब 300 मिनट लगा कर रखिए, और ये देखिए कि आपके घर में जो 4 या 5 सदस्य सब अपना अपना बटन दबाए ताकि लगे 4 या 5 सारे जो है वही मेरा चैनल देख रहे हैं। आपको कोई अपना चैनल देखना है, मूवी देखनी है, सीरियल देखनी है तो ये लीजिए भेंट, ये अच्छा सा एक बड़ा सा 48 इंच का मैं आपको फ्लैट स्क्रीन टीवी दे रहा हूं, इस पर आप देखिए, कनेक्शन जो है केबल का वो भी मेरा है या डीटीएच कनेक्शन वो भी मैं दे रहा हूं, साथ में आपको कुछ पैसे भी दे रहा हूं जो आपके खर्च आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह का खर्च आएगा, तो आप ये रखिए,
इस पे आप देखिए। तो एक तरीके का एक घूस हुआ ताकि जो मीटर वाला चैनल है वहां पर इनका चैनल चले, वो जो लोग बैठे वो देखे या ना देखे, और जो वो देखना चाहते वो जो चैनल ने इनको फ्री में एक अच्छा सा टीवी दिया है उस पे वो देखे। अगर ऐसा 50 घरों में कोई एंटरटेनमेंट चैनल, हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल करे तो इम्पैक्ट क्या होगा, इसका मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। मैं लेता हूँ कि हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल का 20% व्यूअरशिप है, तो अगर वो 50 घरों में सभी लोग औसतन 210 लोगों को कहे कि जो मीटर वाला चैनल टीवी है उसमें आप मेरा चैनल 5 घंटे तक देखिए, तो वो 20% जाकर बन जाएगा 21.4%, यानी कि लगभग 1.5% का फायदा होगा इस चैनल को। आप कहेंगे इसमें क्या फायदा है? फायदा है क्योंकि कोई नंबर 2 चैनल नंबर 1 बन सकता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है ऐसे टीवी चैनल के बीच में। आप 20 से 21 पे जाएंगे तो आप नंबर 2 से नंबर 1 बन सकते हैं 1% के डिफरेंस से, और उससे आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू में, एडवर्टाइजिंग में फायदा हो सकता है क्योंकि प्रीमियम मिलता है। अब मैं कोई हिंदी न्यूज़ चैनल का देखता हूँ, उसी तरीके से 50 घरों में जो 210 लोगों हैं उनको कहा जा रहा है कि आप 300 मिनट यानी 5 घंटे तक मेरा हिंदी न्यूज़ चैनल इस मीटर वाले टीवी पर ऑन रखिए, देखिए मत देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा इस बार भी मैं लेता हूँ कि 20% ओरिजिनल रेटिंग शेयर है। इन 50 घरों में मैनिपुलेट करके क्या किया गया है, रेटिंग शेयर आपका बढ़कर, चैनल का, हिंदी न्यूज़ चैनल का बढ़कर 25.8% पे पहुंच जाएगा। ये बहुत बड़ा गेन है, ये बहुत बड़ा गेन है, क्योंकि कोई चैनल ऐसे नंबर 4 से नंबर 1 तक पहुंच सकता है और उसमें 30-40-50 करोड़ साल का उनको फायदा हो सकता है। अब मैं एक इंग्लिश न्यूज चैनल लेता हूं, इंग्लिश न्यूज चैनल में वही बिल्कुल 50 घर 300 मिनट, हर लोग जो बैठे हुए 210 लोग उन 50 मीटर वाले, वो 300 मिनट तक वही इंग्लिश न्यूज चैनल ऑन रखेंगे। तो इम्पैक्ट क्या है, 20% वाला इंग्लिश न्यूज चैनल का रेटिंग मार्केट शेयर कितना हो जाएगा, 79%। जहां 100 में से 20% आप निकाल दीजिए तो बाकी चैनल 80% में कंपीट कर रहे थे, तो अब वो बाकी 21% में कंपीट करेंगे। तो आप देख लीजिए कहां पे 20% और कहां पे लगभग 80% सिर्फ 50 घरों को मैनिपुलेट करके, 40,000 मीटर घरों में से सिर्फ 50 घरों को मैनिपुलेट करके। लेकिन फिर भी 50 घरों को मैनिपुलेट करना उतना आसान नहीं है, अलग अलग जगह पे आपको करना पड़ेगा, और आप अलग अलग जगह पे करेंगे तो क्या होगा, आप पकड़े जा सकते हैं, और अगर बार्क का जो विजिलेंस टीम है वो आपको पकड़ लेगा तो आपको ब्लैकलिस्ट कर देगा, आप पे केस भी हो सकता है, तो आप पे आप पकड़े जा सकते हैं। अब मैं देखता हूँ कि सिर्फ 10 मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल नहीं है, 10 अगर ऐसे घरों को, मीटर को मैनिपुलेट किया जाए तो क्या होगा, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल, हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल, उनका इंपैक्ट क्या होगा, 20% से वो जाएंगे 20.3% में। बल आप कह सकते हैं कि कोई फायदा नहीं है, 10 घरों में अगर 42 लोगों को कहा जाए कि आप 5 घंटे तक सिर्फ हमारा चैनल देखिए तो ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। कोई जनरल एंटरटेनमेंट चैनल है जैसे स्टार प्लस होता है, स्टार उत्सव है, कलर्स टीवी है, इनको जनरल एंटरटेनमेंट चैनल कहा जाता है। अब मैं बात करता हूँ हिंदी न्यूज़ चैनल का, हिंदी न्यूज़ चैनल का मैंने कहा था लगभग 6.5% का फायदा होगा 50 घरों को मैनिपुलेट करने से, सिर्फ 10 घरों को मैनिपुलेट करने से उनका फायदा होगा 20% से वो 21.2% पे जाएंगे। ये भी फायदा है क्योंकि यहाँ पर भी हिंदी न्यूज में कंपटीशन बहुत तेज है, नंबर 2 नंबर 1 बन सकता है 20 से 21 पर जाकर 1% के डिफरेंस में, और उनको लीडरशिप प्रीमियम मिल सकता है, और वो लीडरशिप प्रीमियम से क्या होता है कि उनका रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यू, सालाना आय 30-40 करोड़ रुपए बढ़ सकता है। आप तो सोच लीजिए कि सिर्फ 10 घरों पे आपको खर्चा करना पड़ेगा ऐसा बढ़ाने के लिए। इंग्लिश न्यूज चैनल, मैंने आपको कहा था कि 50 घरों में मैनिपुलेट करने से इंग्लिश न्यूज चैनल 20% से 79% पे जा सकता है, सिर्फ 50 घरों में सबको बोल के
कि 5 घंटे तक हमारा चैनल ऑन रखिए। वही 5 घंटे तक चैनल ऑन रखे अगर 10 मीटर वाले घरों में, जहां पे लगभग 42 औसतन लोग होंगे, व्यूअर्स होंगे, तो इम्पैक्ट होगा 20% वाला चला जाएगा 49% पे, लगभग आधे मार्केट शेयर पर। तो सिर्फ 10 घर, सिर्फ 10 घर मैनिपुलेट करके आप देखिए 20% वाला चैनल 50% के आसपास चलाया जाएगा। 5 करेगा थोड़ा बहुत, 5 घंटे की जगह बोलेगा 3 घंटे देख लीजिए, फिर भी 20% वाला जो चैनल है वो 30-35 के मार्केट शेयर पर पहुंच सकता है, सिर्फ 5 घरों को मैनिपुलेट करके। तो आप समझ रहे हैं ना कि इससे कितना बड़ा रेवेन्यू का इंपैक्ट होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि सारी एडवर्टाइजिंग रेटिंग्स के तौर पर चलती है, इस पर मैंने 2-3 शो किए हैं, रेटिंग होता है, एडवर्टाइजिंग आता है, एडवर्टाइजिंग से पूरा न्यूज का बिजनेस चलता है। और साथ में एक और चीज होता है कि अगर कोई शो, आप सोच लीजिए 9 बजे का शो, वो अगर उसका मार्केट शेयर 20 था और वो मैनिपुलेट करके 4-5 घर 10 घर मैनिपुलेट करके मार्केट शेयर 20 से 50-60 पे ले गया, तो क्या होगा? वो कहेगा, सब चैनल में लोग कहेंगे कि ये जो दिखा रहा है ना, लोग यही देखना चाहते हैं, चलो हम भी दिखाते हैं। तो हर एक चैनल को, पूरे मीडिया को गोदी मीडिया बनाने में भी ये बहुत काम आता है, ये थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन कैसे होता है, मैंने आपको बताया, मैनिपुलेशन क्यों होता है ये भी आप समझ लीजिए।